गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अशोक पाठक। टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इन दिस एक्सरसाइज वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ऐसे नंबर्स जिसमें कि डेसिमल हों, ठीक है ना, उस नंबर्स को हम लोग डेसिमल कहते हैं। द नंबर विच कंटेन डेसिमल इज नोन एज डेसिमल नंबर। चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल डेसिमल क्या है? तो द नंबर इज प्लेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज नोन एज डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स वो नंबर्स जिनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। 5, 4, 3, 2, 6, 0.724 ये जो नंबर है इसमें हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इसको पॉइंट भी बोलते हैं और इसको डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट और जो डेसिमल है, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। अब ये जो डेसिमल नंबर होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है होल पार्ट। क्या होता है? होल पार्ट। ये होल पार्ट क्या है, जो डेसिमल से पहले लेफ्ट में होता है, ठीक है ना, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के जो लेफ्ट में होता है डेसिमल, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं होल पार्ट, ठीक है ना। और जो डेसिमल के राइट में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट, या हम इसे फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये होल पार्ट है, मीन्स ये होल नंबर है। 54,326 इज होल नंबर, लेकिन ये जो है वो क्या है, डेसिमल पार्ट है। मीन्स ये सेवन किस प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, मीन्स सेवन का टेंथ पार्ट है, 2 का 100th पार्ट है, 4 का 1000th पार्ट है। ये पार्ट है, मींस ये डेसिमल पार्ट है। ये सब क्या है? डेसिमल पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है डेसिमल प्लेस। क्या है डेसिमल प्लेस? द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in decimal part is known as decimal place। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन है कि अभी हमने नंबर लिखा था 54,326.724, तो हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। अब इस डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, देखो 1, 2, 3, इस डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब कि इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, 3। डेसिमल प्लेस इक्वल टू होगा 3, ठीक है ना। मीन्स डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उन्हीं को हम लोग डेसिमल प्लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे आप लोगों को बोल दिया गया कि यू हैव टू राइट द आंसर आफ्टर टू डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है 547.3264 ऐसे आ गया, डेसिमल में फोर डिजिट्स आ गए, तो इसका जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो केवल टू डिजिट्स ही लिखेंगे, डेसिमल के बाद केवल टू डिजिट्स ही आंसर में लिखेंगे। आपका मल्टीप्लाई मान लीजिए यहाँ पर आया, इतना आया है, डेसिमल के बाद फोर डिजिट है, लेकिन बोला क्या है कि आप यू हैव टू राइट द आंसर आफ्टर टू डेसिमल प्लेस। इट मींस दैट यू हैव टू राइट ओनली टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद क्या करना है, केवल टू डिजिट्स लिखने हैं। क्लियर हो गया? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लाइक डेसिमल, ठीक है ना। क्लियर हो गया? लाइक डेसिमल में किसे कहेंगे? तो द नंबर which have equal number of decimal place, ऐसे numbers जिसमें कि number of
डेसिमल, जो डेसिमल प्लेस है उसमें नंबर्स ऑफ डिजिट एक जैसे हो, ठीक है ना, डेसिमल प्लेस लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स क्या है, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसमें कि क्या हो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। तो डेसिमल प्लेस, डेसिमल पार्ट हमने बताया अभी क्या होता है 547.26। अब देखिए इसमें भी दो डिजिट है और एक नंबर और हमने लिया 5847.36, ये नंबर है। तो देखिए डेसिमल के बाद इसमें भी टू डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद इसमें भी टू डिजिट्स हैं। तो अगर इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट इज सेम इन ईच एंड एवरी नंबर्स देन दैट इज नोन एज लाइक डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल, ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे लाइक डेसिमल। लेकिन इफ अनलाइक डेसिमल किसे कहेंगे, अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ऐसे डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, unlike decimals, unlike decimal, decimal having the different number of decimal places, ठीक है, decimal, decimal having, having the different number of, different, different number of, number of decimal places, decimal places, ठीक है ना, means decimals के बाद जो digits हैं वो किसी में दो डिजिट्स हों, किसी में प्लेसेस, ठीक है ना, प्लेसेस। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 7.2346, ठीक है ना, एक नंबर है 7.46, एक नंबर है 8.9, एक नंबर है 7.231। तो ये देखिए ये सारे जो नंबर्स हैं इसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ चार डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स है। मीन्स इन ईच एंड एवरी नंबर्स देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच डेसिमल्स, हर डेसिमल्स में डेसिमल के बाद नंबर्स ऑफ डिजिट क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग ऐसे नंबर्स को अनलाइक डेसिमल कहते हैं, क्लियर है, अनलाइक डेसिमल। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, नोट याद कर लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के, किसी भी डेसिमल नंबर के एक्सट्रीम से, ठीक है ना, कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे मान लीजिए आपके पास 5.764 है, तो इसके एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम मतलब एकदम अंत से, कितना भी हम जीरो ले लें, कितना भी जीरो ले लें, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसके एक्सट्रीम में जितना मन करे उतना, एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम मीन्स अंत में, जितना भी हम जीरो लगाना चाहें लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 94.7000 जीरो, या हम इसी नंबर को लिख सकते हैं क्या 94.7, इसी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 94.70। ये तीनों नंबर क्या है, सेम है। तो हमने इसमें क्या किया है कि 94.7 में 7 के बाद हमने जीरो लगा दिया है, यहाँ पर 7 के बाद 3 जीरो लगा दिया है, तो इससे इस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर हम यही कर देते क्या 94.07, तो ये हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। This number is not equal to these three numbers, but these three numbers are equal to each other. ये तीनों numbers क्या हैं? एक दूसरे के equal हैं. Clear है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं? ये था decimal की बात, कि हम लोग decimal किसे कहते हैं, decimal place किसे कहते हैं, ठीक है ना? Like decimal किसे कहते हैं, unlike decimal किसे कहते हैं? ये सब हम लोगों ने discuss कर लिया, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई number है 5.4763.2141, ये कोई नंबर्स है, ठीक है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, डेसिमल के जस्ट पहले जो नंबर्स होता है ये, मतलब डेसिमल के पहले वाले जितने भी नंबर होते हैं इनको हमने बताया कि ये होल पार्ट होता है, क्या होता है, होल पार्ट। और डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको हमने बताया कि ये क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, ये क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है,
डेसिमल पार्ट, ठीक है ना, ये होल पार्ट है और वो डेसिमल पार्ट है। होल पार्ट में वन एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, जैसे हम लोग होल नंबर्स की क्या करते हैं नेमिंग करते हैं, ठीक है ना, होल नंबर की जैसे नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन उसी तरह से करेंगे। मीन्स थ्री इज एट वंस प्लेस, थ्री किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। सिक्स किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। सेवन किस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है। फोर किस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे हो, टी एच ओ यू एस ए एन डी, थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे है। और ये किस प्लेस पे है, टेन थाउजेंड प्लेस पे है, टी ई एन टेन थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी एस, थाउजेंड प्लेस पे, टेन थाउजेंड प्लेस पे, क्लियर है। तो ये हो गया, होल नंबर को जैसे हम होल नंबर की काउंटिंग करते थे वैसे करेंगे, 54,763। लेकिन जो डेसिमल के पार्ट्स वाला नंबर है वो हमने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है वो टेंथ होता है। क्या होता है, टेंथ, टेंथ, टेंथ का मतलब है कि इस टू का टेंथ पार्ट, इस टू का टेंथ पार्ट, ठीक है ना। ये वन का मतलब है हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई डी टी एच, हंड्रेड, सब में टी एच लग जाएगा, देखो टी एच लग गया ना, ये है टेन थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच, थाउजेंड, और ये हमारा टेन थाउजेंड, टी ई एन टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। तो ये है हमारा क्या नंबर्स, कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब इसी का नेमिंग हमें लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, 54, प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया गया होगा, 54,000, 54,000, टी एच ओ यू एस ए एन डी, 54,000, 763, 763 point के बाद क्या, पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है ना, एक साथ नहीं लिख लेंगे कि 2141, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 2141, अलग अलग सेपरेटली लिखेंगे, पॉइंट 2141, ये एक वे है। या दूसरा भी ये है कि 54763 पॉइंट, या पॉइंट न लिखकर 63 टू टेंथ 300 4,000 110,000 इस तरह से हम लोग लिखें, तो दो तीन तरीका। और यहाँ पॉइंट की जगह पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेसिमल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स के, किसी भी डेसिमल नंबर्स को राइट आउट करते हैं, ठीक है। जिसको मालूम होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम होगा उसको समझ लेगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कंपेरिजन ऑफ टू डेसिमल नंबर, कंपेरिजन, कंपेयर करना, कैसे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। मान लीजिए दो डेसिमल नंबर दिए गए हैं, देखिए 5.476 ये दिया गया है, और एक नंबर दिया गया है 5.99, बस 5.9 दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को लग रहा है कि 5.476 बहुत बड़ा नंबर है, 5.9 बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है और ये बहुत छोटा नंबर, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट बोथ नंबर इन लाइक डेसिमल, दोनों नंबर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट्स है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। हमने बताया कि एक्सट्रीम में हम 0 लगा दें तो उस नंबर पे कोई भी फर्क इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, लेकिन यहाँ कौन है, 9 है, 4 इज लेस देन 9। एक एक नंबर को हम कंपेयर करते हैं ना, 4 क्या है, 9 से लेस है, इट मींस दैट 5.476 इज लेस देन 5.900, क्लियर है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए 947.76 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक है 947.008 दिया हुआ है, 0089 दिया हुआ है। अब हम इसे कंपेयर करना है, देखिए पहले होल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ होल पार्ट 947 है, यहाँ भी 947 है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को, हमने क्या बोला, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। हम दोनों को, दोनों नंबर के डेसिमल्स के बाद क्या करते हैं, सेम नंबर्स ऑफ डिजिट कर लेते हैं। मीन्स
we will have to change into like decimal. तो हम लोग like decimal में change कर लिए. Like decimal में change करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, decimal के बाद दो digit लगा दिया, दो zero लगा दिया, क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर हम extreme में numbers of zero बढ़ा देते हैं तो कोई effect नहीं आता है. ये 947 हो गया, ये भी 947 हो गया. ये 7 है, ये क्या है, 0 है. तो कौन बड़ा हो गया, 7 is greater than 0. It means that 947.7600 is greater than 947.0089. Clear है? तो in this way you can compare any two number. किसी भी दो numbers को हम लोग क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं. Okay. Now I will discuss about addition. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन. अगर मान लीजिए कि दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, एडिशन, ठीक है ना. मान लीजिए हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करना है. जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5.4, एक नंबर है 5.786, एक नंबर है 9.00001, ठीक है ना. तो हमें इसे ऐड करना है, इन तीनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट दीज थ्री नंबर्स इन लाइक डेसिमल. इन तीनों नंबर्स को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा डेसिमल पार्ट है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट है. तो देखिए यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट है. मीन्स वी विल हैव टू कन्वर्ट ईच डेसिमल पार्ट इन 4 डिजिट. सारे डेसिमल पार्ट को हमें 4 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा. मींस वी विल हैव टू कन्वर्ट ईच नंबर इनटू लाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5.41234, 4 डिजिट हो गया. 5.786 है, तो 6886 के बाद 0 लगा दिया. 9.000101, क्लियर है. ये तीन नंबर हो गए. अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. तो अब हम लोग कुछ करेंगे नहीं, 5.4000 5.7860, ठीक है ना. डेसिमल को के अपॉन नीचे लिखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को जैसे हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है ना. 9.0001. नाउ ये हम लोगों ने कॉलम में अरेंज किया और इसको हम लोग बोलते हैं एडेंड. क्या बोलते हैं, एडेंड बोलते हैं. इनको ऐड करते हैं, 1 ये है 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 + 4 = 11, ये कैरी 1, 5 + 1 = 6, 6 + 5 11, 11 + 9, 20, 20.1861 is your answer, and this is known as sum. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sum बोलते हैं. Clear है? तो in this way you can add two or more than two numbers. Now I will discuss about subtraction. अब हम लोग subtraction को discuss करेंगे. Subtract कैसे करते हैं? Subtraction, 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 subtraction. ठीक है ना. तो इफ यू हैव गिवन टू नंबर 5476.321 माइनस 5341.981 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर. मींस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है ना. अब देखिए यहां पर हम ले लेते हैं कि ये यहां पर केवल डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट दीज टू नंबर इनटू लाइक डेसिमल. पहले हम लोग इन दोनों नंबर को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. तो वी कैन पुट 0 एट एक्सट्रीम ऑफ दिस नंबर. इस नंबर के एक्सट्रीम में हम लोग 0 पुट कर सकते हैं. पुट कर दिया, नाउ दिस नंबर बिकम 5476.321, ये हो जाएगा 5341.900, ये नंबर हो गया. दिस इज नोन एज, जो लार्जर नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनुएंड, ठीक है ना. और जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है इसे बोलते हैं सबट्रेहेंड. मीन्स जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम सब्ट्रेहेंड बोलते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं. ये आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो इसको आप लोग राइट आउट कर लीजिएगा. डिफरेंस बोलते हैं, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना. 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ठीक है ना. ये 1 कैरी दिया तो 13 हो गया, 13 में 9 गया 4, 5 में 1 गया 4, 7 में 4 गया 3, 4 में 3 गया 1, और 5 में 5 गया 0. 134.421 is your answer. In this way, you can subtract any number. Now, I will discuss about
exercise 2.5 of your mathematics book. First portion of your exercise, first question है आप लोगों का कि which is greater, question number first है which is greater, कौन सा बड़ा है, greater, ठीक है ना? First का A part है 0.5 और 0.005, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर सॉरी 0.05 और 0.05 में आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल. ओके, 0.5 यहाँ पर पॉइंट के बाद वन डिजिट्स है, यहाँ पर पॉइंट्स के बाद टू डिजिट्स है, मीन्स हम इसके एक्सट्रीम पोजिशन पे एक जीरो लगा देंगे और ये हो जाएगा 0.05. कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जीरो, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे जीरो, यहाँ टेंथ प्लेस पे फाइव और यहाँ पर टेंथ प्लेस पे जीरो, और फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स दैट 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05. क्लियर है? बी हम लोग डिस्कस करते हैं. बी है 0.7 और 0.5. यहाँ पर डेसिमल के बाद वन डिजिट, यहाँ भी है डेसिमल के बाद वन डिजिट, यहाँ भी है, दोनों में डेसिमल के बाद वन डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है. 0.7 और 0.5 को कंपेयर करेंगे, 0.7 0.5, इसके यूनिट प्लेस पे जीरो, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे जीरो, यहाँ टेंथ प्लेस पे सेवन और यहाँ टेंथ प्लेस पे फाइव, मीन्स सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, इट मीन्स दैट 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5. क्लियर है? सी है हमारा 7 और 0.7. अब देखिए यहाँ पर एक बात और जान जाइए आप लोग कि अगर कोई नंबर दिया गया है और उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो हम अपने से 7 पॉइंट लगाकर जीरो लिख दें तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, हमने लिख दिया और 0.7 है. देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 7 है और इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वही ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7 से क्या है, ग्रेटर. क्लियर है? नाउ डी, फर्स्ट का डी है 1.37 और 1.49. ओके, 1.37 है, 1.37 यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम है, मींस बोथ नंबर आर इन लाइक डेसिमल, सो वी विल नॉट हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लाइक डेसिमल में ऑलरेडी है. नाउ यूनिट प्लेस पे वन है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे वन है, यहाँ पर टेंथ प्लेस पे यहाँ थ्री है और यहाँ फोर है, मीन्स थ्री इज लेस देन फोर, इट मीन्स दैट 1.37 इज लेस देन 1.49. क्लियर है? नाउ ई हम लोग डिस्कस करते हैं. ई है हमारा 2.03 और 2.30. ये दो नंबर हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ टेंथ प्लेस पे 0 और यहाँ टेंथ प्लेस पे 3, मीन्स 0 इज लेस देन 3, 0 क्या है 3 से छोटा है, 0 इज लेस देन 3, इट मीन्स दैट 2.03 इज लेस देन 2.30. एफ हम लोग डिस्कस करते हैं, एफ है 0.8 और 0.88. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेंज इनटू लाइक डेसिमल, हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. 0.80 हमने डेसिमल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पर एक जीरो लगा दिया. ओके, 0.88. अब देखिए टेंथ प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, टेंथ प्लेस पे यहाँ भी एट, यहाँ भी एट, और हंड्रेड प्लेस पे यहाँ जीरो लेकिन यहाँ एट, और जीरो इज लेस देन एट, सो 0.80 इज लेस देन 0.88. क्लियर है? इन दिस वे यू कैन कंपेयर टू नंबर. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल. डेसिमल का यूज करके पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपए में. फर्स्ट है सेवन पैसे, फर्स्ट है आपका
सेवन पैसे। तो आप लोग जानते हैं कि वन रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे। क्या होता है? 100 पैसे। तो वन पैसे इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड रुपीज। तो सेवन पैसे इक्वल टू हो जाएगा 7/100। ठीक है, 7/100। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो केवल 1 डिजिट है 7, तो हम 2 डिजिट कहाँ से लाएँ? तो हम अपने से क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, किसी नंबर से पहले जीरो लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.07 रुपीज में हमको कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड हमारा है 7 रुपीज 7 पैसे। ठीक है ना, ये ऑलरेडी रुपीज में हमें कन्वर्ट करना है, तो 7 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो इसको हम लोग एज यूजुअल रहने देते हैं रुपीज, और इसको लिख सकते हैं प्लस 7 पैसे। अब पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने बताया कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से हम लोग डिवाइड कर दिए, दिस इज कन्वर्टेड इनटू रुपीज, ये हो जाएगा 7 रुपीज प्लस 0.07। ये जैसे ही हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.07, 7 रुपीज और 0.7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.07 रुपीज। यह रुपीज की स्पेलिंग PWS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 77 रुपीज 77 पैसे। ठीक है, 77 रुपीज तो रुपीज में ऑलरेडी है, तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है रुपीज, और प्लस 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर लिए। जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 77.77 रुपीज। क्लियर है, या ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रुपीज 77.77। फोर्थ पार्ट है 50 पैसे। 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50/100 रुपीज। देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 0.50 रुपीज। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है 235 पैसे। लास्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन 235 पैसे। 235 को हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो 235/100 रुपीज हो जाएगा रुपीज। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, और ये हो जाएगा 2.35 रुपीज। क्लियर है, तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट रुपीज पैसा इनटू रुपीज पैसे को रुपीज हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिए, आप लोगों को मालूम होगा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली,
मीटर, सॉरी मीटर इन किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली मीटर, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होगा। जब हम ऊपर से किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में, डेकामीटर को मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हर केस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, 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 मीन्स अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, सेंटीमीटर को डेकामीटर में, डेसीमीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, मीटर को डेसीमीटर को मीटर में, मीटर को डेकामीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, सबको 10 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर से मीटर आने में कितने 10 आए, 10 × 10 × 10 मीन्स 10 × 10 × 10 मीन्स 1000 से किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपको सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर से डेकामीटर जाने में कितने 10 आए, 3 10 आए मीन्स 10 × 10 × 10 मीन्स सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, समझ आ रहा है। मान लीजिए डेसीमीटर को हमें डेकामीटर में चेंज करना है तो डेसीमीटर को डेसीमीटर से डेकामीटर जाने में कितने 10 आए, 2 10 आए, 2 10 मीन्स 10 × 10 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन के लिए ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना है और किलोमीटर में भी चेंज करना है, किलोमीटर में km लिख देते हैं आप तो समझ जाएंगे। तो पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो अब देखिए ये रफ कर देते हैं, हम लोग 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, 100 से, जैसे ही 100 से कन्वर्ट डिवाइड करेंगे दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, ये मीटर में हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर क्या होगा, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है तो हम एक जीरो लगाएंगे और जीरो लगाकर पॉइंट लगा देंगे और दिस इज योर आंसर। चलिए 5 सेंटीमीटर को अब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर है ये और सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, इट मींस दैट वी विल हैव टू डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करेंगे, तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 मींस 1 2 3 4 5 5 0 5 5 सेंटीमीटर को 1 10 100 1000 10 1000 lakh 10 lakhs 1 10 100 1000 10 1000 lakh 1 lakh से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही 1 lakh से डिवाइड करेंगे दिस इज कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो यहाँ पर 5 के पहले क्या होना चाहिए, 5 डिजिट होना चाहिए, ऊपर 5 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा तो 5 से पहले 4 जीरो लगाएंगे, तो 4 जीरो लगा दिए, 0 1 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये हो गया किलोमीटर, क्लियर है। तो किस तरह से हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं, 35 सेंटीमीटर को चेंज करना है, इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। चलिए 35 मिलीमीटर है, ये 35 मिलीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करेंगे, कैसे, तो
तो देखिए ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब नीचे से ऊपर आते हैं तो डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, केवल 10 से, मींस 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो पहले पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 3.5 सेंटीमीटर। नाउ 35 मिलीमीटर को अब हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में, तो देखिए मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, यहाँ पाते हैं, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 10 10 थ्री टेंस आ रहे हैं, मीन्स 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 35 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। 1 2 3 डिनोमिनेटर में 30 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में तो केवल 2 ही डिजिट है, तो हम एक क्या करेंगे, इससे पहले 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद डेसिमल लगा देंगे और दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 35 मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। अब देखिए ये मिलीमीटर है और ये किलोमीटर है, तो मीन्स हमको किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 लाख से, मीन्स 35 इज डिवाइडेड बाई 10 लाख, 1 10 100 1000 10 1000 लाख 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 10 लाख से डिवाइड करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। अब डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 35, लेकिन न्यूमरेटर में तो दो ही डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और दिस इज कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर भी देखिए, जैसे हम लोग अभी ये लेंथ की बात कर रहे थे उसी तरह वेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो मीटर है वो ग्राम में कन्वर्ट होता जाएगा, इसमें होता जाएगा ग्राम में, चलिए हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस यही होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ये हो गया किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट है एक्सप्रेसिंग केजी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट में है कि एक्सप्रेसिंग केजी मीन्स 200 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, केजी में। अब देखिए ग्राम को केजी में करना है, ये सब हम लोग रफ कर देते हैं, हमें क्या करना है, ग्राम को केजी में, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 200 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 1000 केजी, 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे केजी हो जाएगा, 1 2 3 3 0 है तो 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो ये हो जाएगा 200.200 केजी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 केजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक्सट्रीम में अगर जीरो है, डेसिमल के बाद अगर एक्सट्रीम में जीरो है तो उस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड है 3470 ग्राम है, इसे हमें केजी में चेंज करना है, तो 3470 ग्राम को 3470 अपॉन 1000 क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ये दिस इज कन्वर्टेड इनटू केजी। नाउ डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 2 3, इट मीन दैट यू हैव टू पुट डेसिमल बिफोर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स से पहले डेसिमल पुट करना है, तो हो जाएगा 3.470 केजी, दिस इज योर आंसर। फोर्थ का थर्ड पार्ट है 4 kg 8 ग्राम। अब देखिए 4 kg 8 ग्राम का मीनिंग है कि 4 kg + 8 ग्राम, 4 kg ये हो जाएगा इक्वल टू 4 kg, और ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, जैसे ही 1000 से डिवाइड किया दिस इज कन्वर्टेड इनटू केजी, नाउ दिस विल बिकम केजी, 4 kg + 0.008 केजी, दोनों को प्लस करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.008 केजी, एंड दिस इज योर आंसर, ये हो गया आंसर, क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 20.03. तो अभी मैंने प्लेस वैल्यू सारे नंबर्स का बताया है कि 20 इज एट 10th प्लेस मींस 2 इज एट 10th प्लेस मींस 2 * 10. 0 इज एट 1st प्लेस मींस 0 * 0. 1st प्लेस मींस 0 * 1. 0 इज एट 10th प्लेस मींस 0 * 1 / 10. और 3 इज एट 100th प्लेस मींस 3 / 100. ठीक है ना. अब देखिए 0 को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है. 2 10th प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 20 और 300th प्लेस है तो ये हो जाएगा 3/100 एंड दिस इज योर आंसर. ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. सेकंड है 2.03. तो 2 10th प्लेस पे है तो 2 1th प्लेस पे है तो 2 * 1. 0 10th प्लेस पे है तो 0 * 1 / 10 प्लस 3 100th प्लेस पे है तो 3 / 100. ये हो जाएगा 2 * 2. 0 को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है और ये हो जाएगा 3 / 100. थर्ड है आपका 200.03 है. 2 इज एट 100th प्लेस तो 200 प्लस 3 इज एट 100th प्लेस तो 3 / 100. 200 प्लस 3 / 100 दिस इज योर एक्सपेक्टेड फॉर्म. नाउ लास्ट वन इज फोर्थ है 2.034. तो देखिए 2 10th प्लेस 1st प्लेस पे है तो 1st प्लेस पे. 300th प्लेस पे है तो 100th प्लेस पे. 4000th प्लेस पे है तो 4 / 1000. दिस इज योर आंसर. क्लियर है. तो इन दिस वे यू कैन एक्सपेंड राइट एनी नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है 6 के फर्स्ट में कि 2.56 है. जैसे 2.56 है तो 2.56 में 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है. तो 2 इज एट 1's प्लेस. 2 * 1 इक्वल 2 * 1's इक्वल टू 2 * 1 इक्वल टू 2. क्या होगा? 2 होगा. फर्स्ट. सेकंड है, सेकंड हमारा है 21.37. 2 किस प्लेस में है? 10th प्लेस पे. तो ये हो जाएगा 2 into 10 इक्वल टू 20. ओके. थर्ड हमारा है 10.25 में 2 को लिखना है. ठीक है ना. 2 किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है. तो 2 into 10 या 2/10 लिख सकते हैं. 2/10 इक्वल टू 2 into 10 का मतलब है कि 1/10 मीन्स 2/10. ये मीन्स 0.2 भी लिख सकते हैं. ये ऐसे. फोर्थ है 9.42. तो यहाँ पर इस 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है. तो 2 इज एट 100th प्लेस मीन्स 200 100 मीन्स 2 into 100. तो 1/100 का मतलब है कि 1/100 मीन्स 2/100. क्लियर है. नाउ फिफ्थ है आपका 63.352. यहाँ पर ये 2 है और 2 किस प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे है. 1000th प्लेस पे है तो 2000 thousand इक्वल टू 2 into 1/1000 इक्वल टू हो जाएगा 2/1000. इन दिस वे यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट्स इन एनी नंबर. किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. देखिए प्लेस ए टू प्लेस बी. क्वेश्चन नंबर सेवन में ये फिगर बनाया गया है. इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं. ये बना लिया हमने. ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी. ठीक है. दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी फ्रॉम देयर टू प्लेस सी फ्रॉम ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी. ए जो है बी से 7.5 किलोमीटर है. ओके. नेक्स्ट बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी. 12.7
7 km from sea. अयुब went from place A to place D. अयुब A से D पे गया, ठीक है ना? From दिनेश, ये दिनेश का, दिनेश कहाँ से A से C पे गया, ठीक है ना? दिनेश, दिनेश went from place A to B and from place there to place C. A is 7.5 km from B and 12.7 km from C. तो दिनेश, distance travelled by दिनेश, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि distance covered by, distance covered by, covered by दिनेश, by दिनेश, दिनेश के द्वारा total distance कितना covered किया गया? तो 7.5 plus 12.7, 7.5 means 7.50, 12.7 means 12.70, ठीक है ना? प्लस करते हैं, यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. 5 plus 7, 12.7 plus 2, 9, 1, 10 और 8, 20.2 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20.2 किलोमीटर. ओके, अब देखिए अयुब, अयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. अयुब जो है ए से चला और डी पे गया, और डी से चला और सी पे गया, ठीक है ना? डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये 9.3 किलोमीटर है ए, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, 11.8 किलोमीटर है डी से, ये है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अयुब, डिस्टेंस कवर्ड बाई, कवर्ड बाई अयुब, अयुब के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया? अयुब इक्वल टू हो जाएगा 9.3 plus 11.8 किलोमीटर. ओके, प्लस करते हैं 8 plus 3 11, 9 plus 1 10 और 10 plus 1 11 और 1 plus 1 2 21.1 किलोमीटर. Who travel more by how much? दोनों में कौन ज्यादा ट्रेवल किया? तो देखो अयुब ट्रेवल मोर, अयुब ट्रेवल मोर, अयुब ट्रेवल, ट्रेवल मोर, ट्रेवल ज्यादा किया. बाई हाउ मच मीन्स 21.1 किलोमीटर में हम 20.2 किलोमीटर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा ट्रेवल किया. तो 11 में 2 जाएगा 9, ठीक है? ये 10 हो जाएगा, 10 में 0 हो जाएगा, 0 में 0 गया 1, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 1, और 2 में 2 गया 0, मीन्स 0.9 किलोमीटर ज्यादा, अयुब जो है 0.9 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो, ठीक है ना? Who bought more fruit? Fruit, F-R-U-I-T-S, fruits bought by Syama. Syama के द्वारा कितना fruit खरीदा गया है? Syama equal to 5 kg 300 ग्राम plus 3 kg 250 ग्राम. प्लस करते हैं, ये हो जाएगा कितना? 0.5 550 ग्राम plus 8 kg 5 kg 550 ग्राम कौन खरीदा? फ्रूट श्यामा. ओके, सल्ला बॉट, फ्रूट बॉट बाय सल्ला, फ्रूट FRUITS, फ्रूट बॉट बाय, बॉट बाय सल्ला, सल्ला. सल्ला, सल्ला के द्वारा कितना फ्रूट खरीदा गया? 4 kg 800 ग्राम plus 4 kg 150 ग्राम प्लस करते हैं, मीन्स टोटल फ्रूट कितना खरीदा गया? फ्रूट श्यामा के द्वारा टोटल फ्रूट कितना खरीदा गया और सल्ला के द्वारा टोटल फ्रूट कितना खरीदा गया? ये 950 ग्राम और 4 plus 4 8 kg 950 ग्राम. ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Who bought more fruits? दोनों में ये देखिए 800, 8 kg 550 ग्राम खरीदा,
कौन? श्यामा। सरला, सरला कितनी खरीदी है? 8 kg 950 ग्राम। तो सरला बॉट, सरला बॉट, BOUGHT बॉट, मोर फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स, फ्रूट्स देन श्यामा, श्यामा से सरला क्या की है? ज्यादा फ्रूट्स खरीदी है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ मच लेस इज 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 42.6 किलोमीटर से 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, कितना कम है, ठीक है ना? तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6.12 में से हट गया 4, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, 3 में 2 गया 1, 14.6 किलोमीटर, ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे कि 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, 14.6 किलोमीटर, 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, 42.6 किलोमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.7, 2.6, एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू डेसिमल नंबर। थैंक यू क्लास।